थैंक यू सो मच। और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी हम लोग का ये जो शैक्षणिक कार्यक्रम और ट्रेनिंग का डिस्क्लोजर मिलती है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे न्याय पंचायत रानी पोखरी की प्रत्येक जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन आपका। तो हम लोग ने जो है अपने गांव में एक अभियान चलाया, पुराने प्रतिनिधियों ने भी चलाया, हम भी चला रहे हैं, घर घर हम लोग पर्चे बांटते हैं, लोगों को जागरूक किया। लोगों को शुरू शुरू में लगा कि यार क्या है, कूड़ा है, हम तो जला लेते हैं जी। तो जलाने से भी तो प्रदूषण हो रहा है, बंदी जल रही है, सब कुछ प्रदूषण हो रहा है, किसके लिए? सबसे पहले तो उसके इफेक्टेड हम ही तो होंगे, जिस जो जला रहा है वही परिवार का इफेक्टेड होगा उसका। तो स्वच्छता जो ये जो क्लस्टर है ये बहुत बड़ी मुहिम है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग प्रतिनिधि बने तो हमें ये गॉड गिफ्ट मिला और इसको हमने आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है। झाड़ू लगाया गांधी जी को सपना साकार कराया, हम पे इंडसइंड बैंक आदत है बार, जोगो जोगो रैया यो नाम तुम्हारो, इंडसइंड बैंक आदत है बार, जोगो जोगो रैया यो नाम तुम्हारो, सहयोग हमारो सफल तुम्हारी, देख रेख पंचायती राज विभाग हमें और शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग कर आया है। कृपया अपना कूड़ा इस कूड़ा मोबाइल वाहन और शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग कर आपने अनुरोध है, कृपया जिला व सूखा पूरा अलग अलग कर देगा, धन्यवाद। तो ये गोबर गैस है, इसके नीचे तो गड्ढा है, यहाँ हम गोबर डालते हैं 4 से 5 टसले, गर्मियों में जितना डालोगे उतना ज्यादा चलेगा, मतलब दिन भर चलता रहेगा अगर जो गर्मियों में करके डाल दिया। आजकल गोबर इसको डाल दिया, पानी डाला इसे हिलाओ पूरा धुल जाएगा, वहाँ से वो जो है भाग लेता है। जो कि हम लोगों ने कई सारे कंपोनेंट्स में जो नगर पालिका जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है उनसे भी हमने अच्छा काम किया है। आप देख पा रहे हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन 80% घरों में होता है और पूरे प्रोजेक्ट में आप लोगों के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, जैसे आपके डोर टू डोर कलेक्शन हो गया, यूजर चार्जेस हो गया, आपके वेस्ट का बर्निंग इंसिडेंट्स हो गया, उन जैसे सारे कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पर भोगपुर क्लस्टर में हमने सबसे पहले मापा और एक ऐसा गांव पास में लिया जिन पे ये क्लस्टर एप्लीकेबल नहीं था जो अपने से कर रहे थे। गाड़ी रुकी है, अभी उस ग्राउंड में भी चलेंगे, वो पोखर होता था, पोखर माने तालाब उनके नहाने के लिए, कभी वो आते थे कहीं दूर पार से तो यहाँ रुकते थे, यहाँ पर उनकी हवेलियां भी थी। बड़ी बात यह है कि कश्मीर आप लोग कितना पसंद करते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम उत्तराखंड को कश्मीर को आपसे ज्यादा पसंद है। लोकतंत्र में प्रधान यानी आप क्या ना क्या बोलते हैं सरपंच, और प्रधान के बाद हम जिला पंचायत अध्यक्ष, और फिर तीसरे नंबर पे कौन है मुख्यमंत्री, और चौथे नंबर पे कौन है प्रधानमंत्री।
चार ही लोग हैं सब कुछ, बाकी हम सब लोग तो इनके पीछे हैं। या तो पावर कौन है, सरपंच है, या पावर कौन है, जिला पंचायत का अध्यक्ष है, या पावर कौन है, मुख्यमंत्री, या बोल मैं गलत नहीं कह रहा। पंचायती राज व्यवस्था में नीतियों का गठन उठा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पंचायत का अभी अभी शुरुआत हुई है, तो ये सब चीजें वहाँ आप लोगों को काम आएगी। ये हमारा हमने जिला में देखा कि कैसे काम होते हैं। बेसिकली क्या है कि कश्मीर में ये अभी शुरुआत हुई है पंचायत राज की। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के साथ हम कंधे से कंधा मिला के पूरा पहचान से काम करेंगे, जिससे हमारा जम्मू कश्मीर का भी नाम ऊंचा उठेगा। डेवलपमेंट लोगों के हाथों में, एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोग तैयार हों, उनको उनके साथ हाँ में हाँ मिलाकर ये काम है, ये काम है, ये काम कलेक्टिवली ये काम करते हैं। और खास करके लीडर वो लीड करते हैं, क्योंकि उनके पास जो पैसा आता है, जो फंडिंग आती है, वो यूज करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं, ताकि यहाँ की रोड्स अगर देखा जाए, हिली एरिया में ऐसी रोड बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और उन्होंने ऐसी रोड तैयार किए हैं जिसे हम यहाँ तक आसानी हुई कि यहाँ हम, इसलिए हमें भेजा गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में कि यहाँ से हम सीख लें, क्योंकि यहाँ पंचायती राज थ्री टायर पंचायती राज काफ़ी समय से चल रहा है। तो जो हम कल से यहाँ फील्ड में निकले हैं, दो तीन पंचायतों में कल गए हैं, वहाँ हमने जो ग्राउंड पे जो काम हो रहे हैं उनको सीखने को मिला। जैसे अभी हमारा जो सॉलिड वेस्ट या सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको हमने देखा वहाँ, गोबरधन को हम कैसे बायोगैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और जो जैविक खाद हम कैसे तैयार कर सकते हैं उसको हमने कल देखा। अप्रैल में उस मीटिंग में पंचायत का प्लान तैयार करते हैं कि पंचायत ने किस तरह से अपना डेवलपमेंट करना है, फंड्स को देखा जाता है। इसके अलावा मतलब फंड्स में यही नहीं कि जो सेंट्रल फाइनेंस का मिला या स्टेट फाइनेंस का मिला, उसमें मनरेगा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो बजट पंचायत को अवेलेबल हो सकते हैं उसको कंसिडर किया जाता है, MLA फंड है, MP फंड है, इस तरह से बहुत सारे फंड्स को मतलब कंसिडर करते हुए प्लान तैयार किया जाता है। जब प्लान हमारा तैयार हो जाता है उसको ग्राम सभा अप्रूव करती है। अब प्लान कैसे तैयार होता है उसके लिए पंचायत मतलब ग्राम सभा के जो भी मेंबर्स हैं वो मीटिंग में होते हैं। मीटिंग के लिए जो मतलब एक प्रॉपर कोरम है यहाँ पे, उस कोरम के हिसाब से मीटिंग होती है, और उसमें लोग अपनी समस्या को बताते हैं, अपनी नीड्स को बताते हैं, उस नीड्स को कंसिडर करते हुए, और उसमें जो डिपार्टमेंट के एक्सपर्टीज हैं वो बताते हैं कि हमने वो मतलब ये फिजिबल है नहीं, ये काम ये सही ढंग से हो सकता है नहीं हो सकता, इसमें क्या उसमें चेंजेस करने हैं, वो सब चीज़ को बताते हुए तब प्लान तैयार होता है।